श्री नीतीश कुमार जी को सर्वसम्मति से नया अध्यक्ष चुन लिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद में स्वीकार कर हमें क्या लेना देना, तेरे अंगने में मेरा क्या काम है। बीजेपी के पार्टी ऑफिस से लेके कार्यकर्ता का दरवाजा बंद है उनके लिए। ललन सिंह ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और पार्टी की कमान खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संभाली। नीतीश के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बीजेपी उन पर लगातार हमलावर है। केंद्रीय मंत्री और बिहार के नेता गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर एक बार फिर तगड़ा हमला बोलते हुए तंज कसा है। क्या कुछ कहा सुनिए। खुश होते हैं ना हम रोते हैं, हमें क्या लेना देना, तेरे अंगने में मेरा क्या काम है। आपको लगता है सर कि जेडीयू टूटने की कगार पे है और नीतीश जी ने फिर से कमान अपने हाथ में ले लिया? दादा कुछ होने वाला है क्या? देखिए जेडीयू पर नए साल में पूरे तरह से ग्रहण लगा हुआ है। अध्यक्ष बन गए हैं तो उम्मीदें चल रही है कि फिर से एनडीए में आ जाएंगे आप लोग के साथ? ना हम लोगों का दरवाजा बंद है, ये कौन बड़ी बात है। नीतीश कुमार पहले भी दो तीन गो प्रेसिडेंट को, जोर साहब को, शरद जी को, आरसीपी को, सबको हटा चुके हैं, इनको भी हटा दिया। सर बात है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि फिर से जो है घर वापसी हो जाए या बीजेपी के साथ वो जुड़ना चाहे, तो क्या इसकी आपको संभावना नजर आ रही है? बीजेपी से जुड़ने का तो बीजेपी के पार्टी ऑफिस से लेके कार्यकर्ता का दरवाजा बंद है उनके लिए। नीतीश बाबू के लिए दरवाजा बंद है। अब तो वो ये तय है कि वो कुछ ही महीना के मेहमान है मुख्यमंत्री पद के। अब लालू जी के आगे वो आत्मसमर्पण करें, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दें, अन्यथा लालू जी पार्टी तोड़ने में माहिर हैं, तोड़ ताड़ करके सरकार बना लेंगे, ये देखते रह जाएं। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में बीते कई दिनों से चली आ रही उथल पुथल और जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के अंदर चल रहे घमासान के बीच राजीव रंजन यानी ललन सिंह ने बीते शुक्रवार को पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म होने के बाद ललन सिंह और नीतीश कुमार भले ही एक साथ मीडिया के सामने आए हों, लेकिन इस इस्तीफे के बाद अब ये अटकलें तेज है कि ललन सिंह एक बार फिर नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं और आरजेडी के साथ गठजोड़ कर सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।